दोस्तों, पिछली बार एक्सपेरिमेंटेशंस में हमने देखा था कि कैसे सेलेमेंडर का जो लिम्ब है वो रीजनरेट कर जाता है अगर कोई साइंटिस्ट उसको कट करता है, कहीं पर भी कट करे, चाहे कार्पल्स पे करे, मेटाकार्पल्स पे करे, ह्यूमरस पे करे, रेडियस अल्ना पर करे, तो वो रीजनरेट करता है। तो यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट है इसके रिगार्डिंग जिसके बारे में बात करूँगा। हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि जो न्यू सेल्स आते हैं, हम यहाँ पर क्या देखने जा रहे हैं, मैं आपको बता दूँ, हम यहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हम ये देखेंगे जो नए सेल्स आते हैं सेलेमेंडर के वो कहाँ से आते हैं, क्या वो पुराने सेल से आते हैं या फिर वो नए सेल्स डिवाइड करते हैं। हम ये देखने जा रहे हैं ब्लास्टिमा से आते हैं या नहीं आते हैं। तो इस बात की पूरी पुष्टि करने के लिए, इस बात की पूरी तहकीकात करने के लिए साइंटिस्टों ने क्या करा, दो सेलेमेंडर उन्होंने डेवलप करे। एक सेलेमेंडर था आपका वाइल्ड टाइप, वाइल्ड टाइप सेलेमेंडर मतलब नॉर्मल सेलेमेंडर था, एकदम वाइल्ड टाइप था। दूसरा ऐसा सेलेमेंडर उन्होंने डेवलप करा जो अपनी बोन्स में एक्सप्रेस करता था एक प्रोटीन जिसका नाम है ग्रीन फ्लोरिसेंट प्रोटीन, GFP। तो GFP नाम का प्रोटीन वो एक्सप्रेस करता था अपनी थ्रू आउट ऑल द बोन्स में, ठीक है। तो आपको पता होगा GFP एक तरह का रिपोर्टर जीन होता है जो ग्रीन कलर का फ्लोरिसेंस देता है। तो जो उसकी बोन्स थी सेलेमेंडर की, थ्रू आउट वो ग्रीन कलर में फ्लोरिस करती थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ नीचे देखिए, ये सेलेमेंडर है, इस सेलेमेंडर की जो बोन्स है वो पूरी ग्रीन है, यानी इसमें ग्रीन फ्लोरिसेंट प्रोटीन का एक्सप्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इसका कुछ छोटा सा पार्ट लिया बोन का, उसे कट किया, कार्टिलेज का पार्ट लिया या कोई भी पार्ट लिया, उसको कट किया। कट करने के बाद इसे ट्रांसप्लांट कर दिया कहाँ पर, इनटू द वाइल्ड टाइप सेलेमेंडर। तो वाइल्ड टाइप सेलेमेंडर के किसी पार्ट में, बोन के पार्ट में, इन्होंने जो GFP एक्सप्रेशन वाला बोन था सेलेमेंडर का, उसको ट्रांसप्लांट कर दिया, उसे ग्राफ्ट कर दिया इनटू द वाइल्ड टाइप एम्ब्रियो, ठीक है, वाइल्ड टाइप सेलेमेंडर, ठीक है। देन इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने यहाँ पे कटिंग करी, ठीक है, कटिंग करी। कटिंग मतलब फॉर एग्जांपल हम यहाँ नीचे देख पा रहे हैं, दिस इज द सेलेमेंडर, सेलेमेंडर ये आपका वाइल्ड टाइप है, दिस इज द वाइल्ड टाइप सेलेमेंडर। तो वाइल्ड टाइप सेलेमेंडर में जहाँ पे इन्होंने बोन को ट्रांसप्लांट किया था, जिस एरिया पे बोन को ट्रांसप्लांट किया था, वहाँ पे कर दी एम्प्यूटेशन। एम्प्यूटेशन का मतलब सर्जिकल रिमूवल, सर्जिकल रिमूवल कर दिया इन्होंने जगह पे जहाँ पे आपने ट्रांसप्लांट किया था। तो आपको पता होगा जब इसे कट कर देंगे तो यहाँ पे स्टंप बन जाएगा, प्लाज्मा क्लॉट बनेगा, ठीक है। अब इसे ऑब्जर्व किया, अब इसे क्या किया, ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देन साइंटिस्टों ने ये पाया, आप जानते होंगे जब हम कट करेंगे तो वहाँ पे आपका वुंड एपिडर्मिस बनेगा, उसके बाद एपिकल एक्टोडर्मल कैप बनेगी, ब्लास्टिमा बनेगा। तो साइंटिस्टों ने ये ऑब्जर्व किया कि जो आपका ब्लास्टिमा है, रीजेनरेटिंग ब्लास्टिमा है, इसके अंदर जो सेल्स है ना, इनके अंदर ग्रीन फ्लोरिसेंट प्रोटीन एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। ये बहुत अजीब बात यहाँ पे देखी। अब इस चीज़ से इतना तो हमें थोड़ा अंदाज़ा लग रहा है कि जो ग्रीन फ्लोरिसेंट प्रोटीन है ये कहाँ से आया। ये ग्रीन फ्लोरिसेंट प्रोटीन अपने आप तो आया नहीं होगा, अपने आप तो ये यहाँ पे बोर नहीं हुआ होगा, ये आया होगा आपके कार्टिलेज से जहाँ पे आपने कटिंग करी थी। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो ब्लास्टिमा के सेल्स हैं ये पुराने ही सेल्स होते हैं, कुछ नए सेल्स नहीं आते। तो यहाँ पे जो ब्लास्टिमा के सेल थे वो नज़र आए आपके ग्रीन फ्लोरिसेंट के। और इसके बाद जब इसकी ग्रोथ हुई, जब ये फुल्ली आपका रीजनरेट किया, तो फुल्ली रीजनरेट करने के दौरान जो आपका लिम्ब बना, जो आपका सेलेमेंडर का लिम्ब बना, उसके जो बोन्स थे उसके अंदर भी आपको एक्सप्रेशन दिखाई दिया, उसके अंदर भी ग्रीन फ्लोरिसेंट का एक्सप्रेशन दिखाई दिया। तो इससे फर्दर इस चीज़ का कन्फर्मेशन होता है कि जो आपके रीजनरेशन होने के बाद सेल्स आते हैं, जो सेल्स बनते हैं, जो नए सेल्स बनते हैं, वो पुराने सेल से ही बनते हैं, ठीक है। इससे हमें पता लग रहा है इस बात का, क्योंकि जो ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन है वो कहाँ से आया फिर, क्योंकि हमने उसे ट्रांसप्लांट किया था, वहीं से वो आपके सेल्स बन गए, ठीक है। तो वो पुराने सेल से ही बना। अब आप यहाँ देख सकते हैं, इसी चीज़ को यहाँ दिखाया गया, दिस इज द सेलेमेंडर, ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन एक्सप्रेस कर रहा है ये। अब हमने क्या करा है, इसकी जो कार्टिलेज ली है थोड़ी सी सॉरी, इसको ट्रांसप्लांट कर दिया है इनटू द वाइल्ड टाइप, वाइल्ड टाइप में मैंने इसको ट्रांसप्लांट कर दिया। ट्रांसप्लांट करने के बाद मैंने वेट किया, तो जब मैंने देखा इसके ब्लास्टिमा के अंदर सेल्स नज़र आए, मुझे ब्लास्टिमा के अंदर ग्रीन फ्लोरिसेंट प्रोटीन के सेल्स मुझे नज़र आए। और इसके बाद मैंने चेक किया कि इसमें क्या होता है, पोजिशनल आइडेंटिटी क्या है और फेट क्या है, फेट का मतलब ये क्या बनाएगा। सॉरी, ये देखिए आपके सामने एक रियल इमेज है, ठीक है, इसमें भी आप देख पा रहे होंगे, दिस इज द ए, दिस इज द बी, दिस इज द सी एंड दिस इज द डी। ए में ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे कटिंग दिख रही होगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन है यहाँ पे कटिंग करी है, ठीक है।
कट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी थोड़ा बहुत पोर्शन नज़र आ रहा है आपको आफ्टर द एम्प्यूटेशन। एम्प्यूटेशन के बाद ज़रा ध्यान से देखिएगा, ब्लास्टिमा के अंदर आपको हल्का हल्का ग्रीन कलर दिख रहा होगा, ठीक है, अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। और उसके बाद जब ये रीजनरेट कर गया, तो जो रीजनरेट होने के बाद जो फुल्ली लिम्ब बना, इसके अंदर भी आपको फ्लोरिसेंस दिख रहा है। तो ये फ्लोरिसेंस कहाँ से आया, जो नया लिम्ब बना है उसमें कैसे आया ये? तो सीधी सी बात है, पुराने सेल जो थे वही आपके दोबारा री डिफरेंशिएट करके इन्होंने इसको बनाया। तो इस बात से कन्फर्म होता है कि जो पुराने सेल्स होते हैं वही दोबारा बनते हैं और वही दोबारा रीजनरेट करवाते हैं, ठीक है, कोई नया सेल यहाँ पे नहीं आता, इससे ये बात कन्फर्म होती है। दिस इज द अनदर इमेज, थोड़ा रियल डायग्राम है ये आपका, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ग्रीन ग्रीन पोर्शन जो आप देख रहे हैं, इट इज़ नथिंग बट द ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन। तो फुल्ली रीजनरेटेड लिम्ब है आपका सेलेमेंडर का, इसके अंदर फ्लोरेसेंस मुझे दिख रही है। तो इससे कन्फर्म होता है द सेल्स अराइज फ्रॉम द प्रीवियस सेल, जो प्रीवियस सेल है वहीं से आ रहे हैं। इस बात को फर्दर कन्फर्म करने के लिए साइंटिस्टों ने क्या करा, मसल्स के ऊपर भी ये काम किया, मसल को एक्सप्रेस किया ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन पे, मसल्स को ट्रांसप्लांट किया इनटू द अनदर सेलेमेंडर, सेम रिजल्ट मिला। यही हमने करा एपिडर्मल सेल्स के साथ, एपिडर्मिस के साथ सेम रिजल्ट मिला। तो इससे पता लगता है चाहे वो मसल का सेल हो, चाहे वो बोन का हो, कार्टिलेज का हो, सारे के सारे पुराने सेल से ही आपके आते हैं। जो वहाँ सेल होते हैं वो जाते हैं डीडिफरेंशिएशन में, डीडिफरेंशिएशन के बाद जाते हैं रीडिफरेंशिएशन में और रीस्टोर करते हैं पूरे ऑर्गन को। फाइन, आई होप इट इज़ फाइन टू ऑल ऑफ यू। इसके अलावा एक सवाल उठता है यहाँ पे, अब तक की जो हमने कहानी देखी उसमें हमने सब कुछ समझा कि कैसे कटिंग करने के बाद प्लाज्मा क्लॉट बनेगा, ब्लास्टिमा बनेगा, एपिकल एक्टोडर्मल कैप बनेगा, ग्रोथ होगी। पर अभी भी एक सवाल यहाँ पे उठता है, क्या सवाल उठता है? सवाल ये है दोस्तों, ये पूछा जाता है कि वो कौन है, वो कौन सा मॉलिक्यूल है, या वो कोई प्रोटीन है, या वो कोई टिश्यू है जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर द डेवलपमेंट या प्रोलीफरेशन ऑफ द ब्लास्टिमा। ऐसा कौन सा प्रोटीन है वहाँ पे, ऐसा कौन सा जीन है जो ब्लास्टिमा के सेल्स को डेवलप करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो इसलिए रेस्पॉन्सिबल है ताकि ब्लास्टिमा आपका रीजनरेट कर जाए, कौन है वो? तो साइंटिस्टों ने इस बात की जब तहकीकात करी तो उन्हें दो तरह के टिश्यू मिले। देयर आर टू काइंड ऑफ टिश्यू विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोलीफरेशन ऑफ द ब्लास्टिमा। ब्लास्टिमा के प्रोलीफरेशन के लिए दो तरह के टिश्यू रेस्पॉन्सिबल हैं, एक है आपका एपिकल एक्टोडर्मल कैप और दूसरा है आपका नर्व्स। नर्व्स होते हैं द बंडल ऑफ द न्यूरॉन्स, और नर्व्स के अंदर भी एक आपका प्रोटीन सिक्रीट होता है जिसका नाम है नैग, न्यूट एंटीरियर ग्रेडियंट प्रोटीन। तो नर्व जो है ये सिक्रीट करती है नैग नाम का प्रोटीन, ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर द रीजनरेशन और एपिकल एक्टोडर्मल कैप, ठीक है, ये दो चीज़ें रेस्पॉन्सिबल है। तो आइए देखते हैं दोनों करते क्या हैं। दोस्तों जो आपका एपिकल एक्टोडर्मल कैप है, जो आपका एपिकल एक्टोडर्मल कैप है, मैंने आपको बताया था ये आपका, ठीक है, एपिकल एक्टोडर्मल कैप ये रहा, और इसके नीचे क्या है, ब्लास्टिमा, दिस इज द ब्लास्टिमा। तो ये जो आपका एपिकल एक्टोडर्मल कैप है ये सिक्रीट करता है एक फैक्टर जिसका नाम है फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8। ये आपने लिम्ब के डेवलपमेंट में भी पढ़ा होगा। तो ये सिक्रीट करता है फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8, और इसका क्या काम है, ये स्टिमुलेट करता है ब्लास्टिमा की ग्रोथ। तो ब्लास्टिमा की जो ग्रोथ होती है वो FGF8 के द्वारा होती है। इसका सिंपल काम है इसको डिवाइड करवा के सेल्स को डिवाइड करवाना, ग्रो करवाना। आपने लिम्ब के डेवलपमेंट में भी ये बात पढ़ी होगी, वहाँ पर भी आपका रेटिनोइक एसिड, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 10, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 काम करते हैं। अब यहाँ पे एक और एंगल आता है, ये जो आपका फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 है ये रिस्पॉन्स देगा ओनली जब आपका नैग आएगा, यानी जो नैग है न्यूट एंटीरियर ग्रेडियंट प्रोटीन, ये इसको स्टिम्युलेट करेगा। किसको करेगा, एपिकल एक्टोडर्मल कैप को स्टिम्युलेट करेगा कि वो FGF8 बनाए, और FGF8 क्या करेगा, ग्रोथ करवाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों रेस्पॉन्सिबल हैं, नैग भी रेस्पॉन्सिबल है और FGF8 भी रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब बात करते हैं नर्व्स की, नर्व मतलब न्यूरॉन्स, ठीक है। तो मैंने आपको जो डायग्राम दिखाया था वहाँ पे न्यूरॉन्स भी थे। तो न्यूरॉन क्या करते हैं, न्यूरॉन सिक्रीट करते हैं एक मॉलिक्यूल को जिसका नाम है न्यूट एंटीरियर ग्रेडियंट प्रोटीन। तो न्यूट एंटीरियर ग्रेडियंट प्रोटीन नाम का एक प्रोटीन सिक्रीट किया जाता है बाय द नर्व, ठीक है। और ये नर्व क्या करते हैं, जब इस नैक को सिक्रीट करते हैं तो ये नैक क्या करवाते हैं, ब्लास्टिमा के सेल को डिवाइड करवाते हैं। जब आप उनको नैक दे दोगे तो ये डिवाइड करवाएंगे, कैसे, क्योंकि नैक जो जाएगा आपका एपिकल एक्टोडर्मल कैप के पास जाएगा और उससे सिक्रीट करवाएगा फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8, और फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 आपका सिक्रीशन करवा के आपका रीजनरेशन करवाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों ही बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका नैक, क्लियर।
एक और चीज़ देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपका सेलेमेंडर का लिम्ब है, फॉर एग्जाम्पल इस सेलेमेंडर का लिम्ब है, ये वाइल्ड टाइप लिम्ब है। सपोज करो वाइल्ड टाइप लिम्ब में 100% नर्व है, 100% नर्व जा रही है, ठीक है। जब मैंने इसको कट करा तो कट करने के बाद क्या होता है, सारे टिश्यू वहाँ पे हट जाते हैं, सारे टिश्यू मर जाते हैं, डी डिफ्रेंशिएशन होती है। डी डिफ्रेंशिएशन होकर बोन बोन के सेल्स आपके चले जाते हैं, मसल्स के सेल चले जाते हैं, कार्टिलेज के एंड सो ऑन, लेकिन वहाँ पे नर्व के सेल अभी भी रहते हैं, वहाँ पे नर्व अभी भी रहती है। तो एग्जाम में सवाल आ जाता है कि कितनी परसेंटेज होनी चाहिए नर्व की, तो एटलीस्ट 20% नर्व प्रेजेंट होने चाहिए 100% में से, एटलीस्ट मतलब मिनिमम 20% नर्व यहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी आपका रीजनरेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर नर्व आपकी कंप्लीटली एबसेंट है रीजनरेट नहीं करेगा। मिनिमम मिनिमम से आपका 20% प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। और ये 20% जो नर्व है ये बनाती है नैग, न्यूट एंटीरियर ग्रेडियंट प्रोटीन, और ये नैग क्या करता है, FGF8 का रिस्पॉन्स लाता है और FGF8 आपका रीग्रोथ ग्रोथ करवाता है, ठीक है, रीग्रोथ करवाता है। इसके अलावा एक और आपको बात बतानी है, फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए मेरे पास एक सेलेमेंडर है, मैंने सेलेमेंडर के लिम्ब को क्या किया, सबसे पहले मैंने उसके लिम्ब को किया डीनर्वेट। डीनर्वेट का मतलब है नर्व सप्लाई कट कर दी। मैंने क्या किया, एक सेलेमेंडर लिया, सेलेमेंडर के जो नर्व थे उसके हाथों में जो नर्व्स थी उसे कम्प्लीटली मैंने कट करके हटा दिया। आफ्टर सब कटिंग द सप्लाई ऑफ द नर्व मैंने वहाँ पे एम्प्यूटेशन कर दिया, मैंने उसका लिम्ब काट दिया। तो यहाँ पे सवाल उठता है क्या रीजनरेशन होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे इस बात का, रीजनरेशन नहीं होगी, ठीक है। क्यों नहीं होगी, आपने नर्व हटा दी, क्योंकि नर्व का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर नर्व होंगी तो वो सिक्रीट करेंगी नैग को, और नैग इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर द रीजनरेशन, ठीक है। तो अगर आप डीनर्वेट कर देंगे किसी लिम्ब को और उसके बाद एम्प्यूटेट करेंगे, सो देयर विल बी नो रीजनरेशन, फाइन। इसके अलावा दोस्तों इसका एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं इस बात को प्रूफ करने के लिए। तो देखिए साइंटिस्टों ने क्या करा, दो सेलेमेंडर लिए, सेलेमेंडर ए और सेलेमेंडर बी, दोनों सेलेमेंडर को क्या करा, डीनर्वेट कर दिया। क्या कर दिया, डीनर्वेट। डीनर्वेट का मतलब आपने न्यूरॉन्स की सप्लाई को कट कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ न्यूरॉन की सप्लाई कट हो गई, यहाँ न्यूरॉन की सप्लाई कट हो गई, तो दोनों सेलेमेंडर में न्यूरॉन की सप्लाई कट कर दी। आफ्टर कटिंग द सप्लाई आपने क्या करा, जो आपका बी था, बी नाम का जो सेलेमेंडर था यानी दिस वन, इसे आपने बाहर से दिया नैग, न्यूट एंटीरियर ग्रेडियंट प्रोटीन, और जो ए था इसको आपने नहीं दिया, ए था आपका कंट्रोल, आपने इसे कुछ नहीं दिया, और बी को आपने क्या दिया, नैग। तो अब ये पूछता है व्हाट शुड बी द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे क्या रिजल्ट होगा। तो जैसे कि आप सब लोग समझ गए होंगे अब तक की बात, रिजल्ट ये होगा जिसको मैंने नैग दिया था उसमें रीजनरेशन हो जाएगी, क्योंकि इस बात से प्रूफ होता है कि नैग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रीजनरेशन। तो जहाँ पे मैंने नैग को एडमिनिस्टर किया है वहाँ पे रीजनरेशन आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे नहीं किया है वहाँ पे कुछ नहीं होगा, नो ग्रोथ, ठीक है। तो रिजल्ट यही होगा, द सेलेमेंडर बी विल रीजनरेट इट्स लिम्ब नॉर्मली एंड इन अ प्रॉपर ऑर्डर, एंड सेलेमेंडर ए विल नॉट रीजनरेट इट्स लिम्ब बिकॉज द नैग वॉज गिवन टू सेलेमेंडर बी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीजनरेशन। आई होप इट इज़ फाइन टू ऑल ऑफ यू। एग्जाम में दोस्तों CSIR में पार्ट सी में सवाल आते हैं, CSIR में पार्ट सी में डायरेक्टली सवाल आते हैं इस तरह के, तो आपको उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि आप एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, यहाँ पर सेम एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है, आप देख सकते हैं दिस इज द लेफ्ट हैंड, दिस इज द राइट हैंड ऑफ द सेलेमेंडर। अब क्या किया है, राइट लिम्ब को डीनर्वेट कर दिया है, आप देख सकते हैं नर्व की सप्लाई कट हो गई है। उसके बाद दोनों लिम्ब को कट कर दिया, दोनों लिम्ब को कट कराए, एक लिम्ब में क्या है नर्व है, दूसरे में नर्व नहीं है। फिर आपने इलेक्ट्रोपोरेशन एक मेथड होता है जिससे नैग को आपने दिया, कहाँ नैग को दिया, इस वाले लिम्ब को दिया आपने नैग। अब क्या पूछता है, रीजनरेशन होगा या नहीं होगा, फाइन। तो क्या रिजल्ट है, रिजल्ट इज दिस, आप देख सकते हैं ये कंट्रोल है, यहाँ पे कोई नैग नहीं दिया था, नैग वॉज नॉट गिवन, और ये आपका नैग एडमिनिस्टर्ड सेलेमेंडर है, दैट इज द सेलेमेंडर बी। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका रीजनरेशन कर गया, फाइन, दिस इज रीजनरेटेड फुल्ली। इसी के तरह तो फाइनली अब हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है, हमारा फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है कि नैग एस्टैब्लिश करता है नैग, और ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर द रीजनरेशन ऑफ द लिम्ब, ठीक है। एस्टैब्लिश्ड
आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, नैक जो आपने दिया है वो आपका मेनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रीजनरेशन, ठीक है। और आपका नैक जो है कहाँ से आता है, कौन सिक्रीट करते हैं, तो मैंने बताया नर्व के सेल सिक्रीट करते हैं, और नर्व में भी आपके कौन से हैं, श्वान सेल्स। तो श्वान सेल्स होते हैं नर्व के चारों तरफ, वहाँ से इंडक्शन होता है आपका नैग का, तो वहाँ से आता है। तो एग्जाम में भी सवाल पूछा जा सकता है पार्ट बी में कि कौन से सेल्स होते हैं जो नैग को बनाते हैं। सॉरी, अब देखिए यहाँ तक की कहानी आई थिंक आपको क्लियर होगी। किसी भी तरह का आपका कोई सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। इसके साथ अगर आपको ये पसंद आता है सेशन तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाएँ, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं इंडक्शन ऑफ द एक्टोपिक लिम्ब। एक्टोपिक लिम्ब का क्या मतलब होता है, एक्टोपिक लिम्ब का मतलब होता है एबनॉर्मल लिम्ब। एबनॉर्मल मतलब जो नॉर्मल पोजीशन से कहीं और पे ग्रो होता हो। फॉर एग्जांपल सेलेमेंडर के जो लिम्ब है एक राइट होगा एक लेफ्ट होगा, पर सपोज करो उसके एक लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड के ऊपर एक और लिम्ब निकल आए तो मैं बोलूँगा ये एक्टोपिक लिम्ब है, एबनॉर्मल पोजिशन पर जो बने, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बोलता है पॉइंट, ये बोलता है कि हम जानते हैं कि रीजनरेट जो लिम्ब होता है वहाँ पे नर्व की सप्लाई बहुत ज़रूरी है, ठीक है, नैग की सप्लाई बड़ी ज़रूरी है। तो अब तक हम ये बात जानते हैं टू रीजनरेट अ लिम्ब द नैग सप्लाई इज नेसेसरी, ठीक है। तो ड्यूरिंग द लिम्ब जनरेशन क्या होता है, जो आपके रीजनरेटिंग नर्व होते हैं वो डिलीवर करते हैं सिग्नल टू द AEC। नर्व आपका नैग देगा, नैग इज अ काइंड ऑफ सिग्नल, और सिग्नल जाएगा AEC पर। AEC क्या है, एपिकल एक्टोडर्मल कैप। आगे बोलता है अगर आप चाहते हैं एक्टोपिक लिम्ब को ग्रो करना तो आपको कुछ पोजिशनल क्लू देने पड़ेंगे, पोजिशनल क्यूज देने पड़ेंगे, इंडिकेशन देनी पड़ेगी। कहने का क्या मतलब है, अगर आप चाहते हैं यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा लिम्ब बने, एक्टोपिक लिम्ब बने, तो आपको यहाँ पे कोई ऐसा इंडिकेशन देना पड़ेगा, कोई ऐसा केमिकल देना पड़ेगा, कोई ऐसा टिश्यू देना पड़ेगा जो उसे ये बताए कि यहाँ पे लिम्ब बनाइए, ठीक है। तो कोई पोजिशनल आस्पेक्ट होने के बहुत ज़रूरी है। तो अब हम वही देखेंगे वो पोजिशनल आस्पेक्ट हैं क्या, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस पार्ट में इतना ही है, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं लाऊंगा, ठीक है, सेकंड पार्ट में। तो कंटिन्यू करेंगे हम इस सेशन को इन द नेक्स्ट पार्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो यू कैन आस्क एनी टाइम। और इसी के साथ अगर आपको मेरा काम पसंद आता है यू कैन सपोर्ट माय वर्क, ठीक है, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अलावा आप इसको लाइक करें, ठीक है, आप मेरे सेशंस को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और पहुंचाएं नीडी स्टूडेंट्स पर जिनको इनकी ज़रूरत है, और आप अपने लिए भी तैयारी करें, ठीक है। मैं मिलूंगा आपसे अगले पार्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक्स अ लॉट।